हाय फ्रेंड्स, रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। माजरा चाहता हो, दो तीन रोज़ के बाद आपके सामने हाजिर आया हो। एक्चुअली रिसर्च वर्क के हवाले से तारीखी शहर हैदराबाद का एक टूर हुआ, वहाँ के मुतालिक मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपके नेट सेट पेट के सिलेबस से हट कर है, वो भी आपके सिलेबस के एक पार्ट है। आपको जानने का मौका मिलेगा कुतुब शाही हुकूमत क्या थी, निज़ाम शाही हुकूमत क्या थी। हैदराबाद उन स्टेट में से एक है जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों ने अपना राज नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी वहाँ पर रोल नहीं किया। तो आपके लिए वो वीडियोस भी सिलेबस का हिस्सा ही है। मैं गुजारिश करूँगा आप उससे भी देखिए, और रिसर्च वर्क और ट्रैवलिंग की वजह से ये गैप हुआ, जिस बात का अंदाज़ा है आप लोग मुंतज़िर है। एग्ज़ाम का वक्त करीब है, आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं, चैनल से वक्तन फ़ौक्तन इस्तेफादा भी करते हैं, और कुछ सजेशन आए थे आप लोगों की तरफ से, कुछ की डिमांड थी टोटल फैक्चुअल हो, फैक्ट बेस्ड हो। कुछ ने कहा कि सर जिस तरह आप पहले लाया करते थे पस मंज़र वो पेश मंज़र के साथ, उसी तरह वीडियोज़ को बनाएं। इसलिए आज मिक्सचर लेकर आया हूँ, पस मंज़र पेश मंज़र भी है, फैक्चुअल नॉलेज भी है। आप बताइए किस तरह कंटिन्यू करना है। तो आइए देखते हैं, गालिब शिकन इमामुल गज़ल मिर्ज़ा यगाना हुसैन चंगेज़ी लखनवी के हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमत नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपका नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, आपका तखल्लुस यगाना था, बाद में उसमें आपने अजाफा कर दिया चंगेज़ी का, और यगाना से पहले आप यास तखल्लुस इख्तियार करते थे। इसकी गहरी एक दास्तान है, एक हिकायत है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसीलिए पस मंज़र के साथ आपके सामने हाजिर आया हो कि किस तरह एक शायर यास तखल्लुस इख्तियार करते हुए यगाना चंगेज़ी तक के पहुंच जाता है। विलादत 17 अक्टूबर 1884 अजीमाबाद, वफात 4 फरवरी 1956 लखनऊ। यगाना के अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए और सल्तनत मुगलिया के दरबार से वाबस्ता हो गए। परगना हवेली अजीमाबाद में जागीरें मिली और वहीं सुकूनत पजीर हो गए। स्कूल के ज़माने से उन्होंने शायरी का आगाज़ किया और बेताब अजीमाबादी के शागिर्द हुए। 1903 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इंट्रेंस का इम्तहान पास किया और उसके बाद माश की जस्तजू में मसरूफ़ हो गए, जिसमें उन्हें दर दर की खाक छाननी पड़ी। चूंकि उनकी शादी लखनऊ में हुई थी इसलिए वो लखनऊ में जा बसे, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो अपनी शायरी में यगाना थे, अपने तखल्लुस की तरह। उन्होंने हमेशा वो राह तर्क कर दी जो पहले से मुस्तमल थी, यानी जिस राह को औरों ने इख्तियार कर लिया है उस राह पर कभी या साहब नहीं चले। इसीलिए लखनऊ स्कूल में आतिश के बाद यगाना ही सबसे मुनफरिद शायर थे। अब आतिश किस सबब से मुनफरिद और मुमताज़ थे, इसकी पूरी रिवायत, इसकी पूरी हिकायत, इसका पूरा लेक्चर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप नेट सेट की प्लेलिस्ट में जाकर उससे इस्तेफादा करें। जिनकी आवाज़ सबसे अलग महसूस होती थी यगाना साहब की, कहाँ पर, लखनऊ में। यास यगाना का कलाम उनके मुख्तलिफ मजमुओं और उस ज़माने के रिसालों में बिखरा हुआ था। इन औरा के लख्त लख्त को नामवर मुहक्किक मुशफिक ख्वाजा ने इकट्ठा कर 2003 में कुल्लियात यगाना के नाम से शाय किया, जिसके सबब यगाना की शायराना शख्सियत की बाजियाफ्त हुई। यगाना चंगेज़ी 17 अक्टूबर 1884 को पटना के मोहल्ले मुगलपुरा में पैदा हुए। 5-6 साल की उम्र में मकतब में दाखिल हुए। फारसी की चंद किताबें पढ़ने के बाद अजीमाबाद पटना के मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल में नाम लिखवाया गया। स्कूल में हमेशा अव्वल रहे, पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए हर साल स्कॉलरशिप और इनाम पाते रहे। 1903 में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। 1904 में मटिया बुर्ज कलकत्ता गए, जहाँ शहज़ादा मिर्ज़ा मुकीम बहादुर के साहबजादों शहज़ादा महमूद याकूब अली मिर्ज़ा और शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ अली मिर्ज़ा की अंग्रेज़ी तालीम के उस्ताद मुकर्रर हुए। लेकिन कलकत्ता की आबोहवा रास नहीं आई और कुछ दिनों बाद वतन
वापस चले आए। इलाज के सिलसिले में लखनऊ आए और लखनऊ की फिज़ा ऐसी रास आई कि अच्छे होकर भी वापस जाना गवारा नहीं किया। लखनऊ ही में 1913 में शादी करके उसी को अपना वतन बना लिया। यगाना का लखनऊ का कयाम बड़ा हंगामा खेज और मार का आरा रहा, जिसका असर उनके फ़न पर भी पड़ा। जाहिर सी बात है, इंसान के फ़न पर एतराफ़ का, माहौल का, पस मंज़र का, पेश मंज़र का खासा असर पड़ता है, और यही मामला यगाना साहब के साथ भी हुए। मारका आराइयों ने भी उनके फ़न को जिला बख्शी। शुरू में लखनऊ की शोहरत से उनके ताल्लुकात खुशगवार थे। इतना ही नहीं, वो अज़ीज़, सफ़ी, साकिब और महशर वगैरह के साथ मुशायरों में शिरकत करते थे। ये उर्दू अदब के बड़े नामवर शोरा गुजरे हैं। जब अज़ीज़ की सरपरस्ती में रिसाला म्यार जारी हुआ और म्यार पार्टी वजूद में आई, तो यगाना भी इस पार्टी के मुशायरों में मिर्ज़ा गालिब की ज़मीनों में गज़लें पढ़ते थे। इन तरही मुशायरों की जो गज़लें म्यार में छपी है, उनमें भी यगाना की गज़लें शामिल है। लेकिन ये ताल्लुक़ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका और लखनऊ के अक्सर शोरा से यगाना की चश्मक हो गई, अनबन हो गई, बात नहीं जमी। मुख्तलिफ असबाब वजूहात थे, आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको इल्म हो जाएगा। यगाना से अहले लखनऊ की चश्मक का मामला कुछ यूँ था कि म्यार पार्टी के मुशायरों में उनके कलाम पर खंदाजनी की जाती थी और बेसरोपा एतराज़ात किए जाते थे, मगर ये सब कुछ ज़बानी होता था। असली और तहरीरी जंग का आगाज़ खुद यगाना ने किया। उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ लिखने का सिलसिला चल पड़ा, जिसकी इंतहा शोरत काजबा नामी यगाना की किताब है। लखनऊ की शोरा मिर्ज़ा गालिब के बड़े कायल थे, लिहाजा यगाना के लिए अब ये बात भी नागुज़ीर हो गई कि वो गालिब की भी मुखालफत करे। कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त भी दुश्मन होता है, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। इसी हालात से यगाना साहब भी गुजरे थे। यगाना ने इस मुखालफत के चलते अपने आप को आतिश का मुकल्लिद कहना शुरू कर दिया और अपने मजमूए कलाम नश्तर यास के सरे वरक पर अपने नाम से पहले खाक पाए आतिश लिखा। और जब इसके एक साल बाद चिराग सुखन शाय हुआ, तो उन्होंने अपने आप को आतिश परस्त के दर्जे तक पहुंचा दिया। इसी बुनियाद पर उन्होंने आतिश और गालिब का तकाबली मुतालिया किया और ये साबित करने की कोशिश की कि आतिश गालिब से बड़े शायर थे। ये मजमून रिसाला ख्याल में नवंबर 1915 में शाया हुआ और ये सिलसिला एक लंबी मुद्दत तक जारी रहा। इस गालिब शिकनी की इंतिया वो रिसाला है जो उन्होंने 1934 में गालिब शिकन के नाम से शाया किया। इस रिसाले को दोबारा मज़ीद अजाफों के साथ 1935 में छापा। यगाना ने सिर्फ अपना तखल्लुस यास से यगाना नहीं किया, बल्कि 1932 तक पहुँचते पहुँचते उसमें चंगेज़ी का अजाफा भी कर लिया। इसके हवाले से खुद लिखते हैं, जिस तरह चंगेज़ ने अपनी तलवार से दुनिया का सफाया कर दिया था, उसी तरह जब से मैंने गालिब परस्तों का सफाया करने का तहैया किया है, ये लकब इख्तियार किया है। इस मुखालफत की वजह से यगाना का अच्छा खासा वक्त ज़ाय हो गया, क्योंकि इस मुखालफत से ना तो शोराए लखनऊ का कुछ फ़ायदा हुआ और ना ही गालिब को कुछ नुकसान पहुंचा, बल्कि यगाना ही खसारे में रहे कि अपनी शायरी पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके। इन सब मुखालफतों और मारका आराइयों के बावजूद यगाना के ग्रुप था जिनसे उनके अच्छे मरासिम थे। 1919 में उन्होंने अंजुमन खासान अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन कायम की। इस अंजुमन के सदर बेखुद मोहानी, सेक्रेटरी खुद यगाना और जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल बारी आसी थे। इस अंजुमन के एजाजी रुक और सरपरस्तों में फसाहत लखनवी और सैयद मसूद हसन रजवी अदीब जैसे लखनवी अहले कलम भी शामिल थे। जिंदगी के दूसरे मशागिल के साथ साथ यगाना की मुलाजमत का सिलसिला भी नाहमवारी का शिकार रहा। एक अरसे तक वो अवध अखबार से वाबस्ता रहे, लेकिन हतमी तौर से ये नहीं बताया जा सकता कि कब से कब तक। अलबत्ता अवध अखबार के मुदीरों में
एडिटर्स में यगाना का नाम भी शामिल है। 1924 में यगाना इटावा चले गए, जहां उन्हें इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत मिल गई। मार्च 1925 के आसपास वो इटावा को छोड़कर अलीगढ़ चले गए, वहां एक प्रेस में उन्हें मुलाजमत मिल गई। 1926 में उन्होंने लाहौर का रुख किया और उर्दू मरकज से वाबस्ता हो गए। यहाँ का माहौल उन्हें रास आया। यहाँ के अदीबों से उनके बेहतर मरासिम रहे, कई किताबों और रिसालों के छपने की सबील पैदा हुई। डॉक्टर इकबाल के यहाँ भी उनका आना जाना जारी रहता था। डॉक्टर इकबाल भी यगाना के बड़े कायल थे। 1928 में यगाना उर्दू मरकज से अलायदा हो गए, लेकिन क़याम लाहौर ही में कायम रहा। लाहौर के बाद उन्होंने हैदराबाद दक्कन का रुख किया, गालबन 1928 में। हैदराबाद में उनका क़याम उनके लिए काफ़ी आसूदगी लेकर आया, जहां उनका तकरर निसार अहमद मिजाज के तवसुस से महकमा रजिस्ट्रेशन में नकल नवेस की हैसियत से हो गया। यहां उनकी आमदनी 25-30 रुपये माहवार थी और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती थी। 1931 में यगाना महकमे रजिस्ट्रेशन में बाकायदा मुलाजिम हो गए। ये जगह सब रजिस्ट्रार की थी। इस तरह वो उस्मानाबाद, लातूर और यादगीर में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। 1942 में 55 बरस की उम्र में मुलाजमत से सुबकदोश हुए। रिटायरमेंट के बाद एक लंबे अरसे तक हैदराबाद ही में कायम रहा। 1946 में वो बम्बई गए और वहाँ अपने बड़े बेटे आगा जा को मुलाजमत दिलवाई। हैदराबाद में नवाब मुअज्जम जहाँ ने उन्हें अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहा, लेकिन यगाना राजी ना हुए। सुबकदोशी के बाद यगाना बार बार हैदराबाद रोजगार की उम्मीद से आते रहे, लेकिन उन्हें मायूसी ही नसीब हुई। मजमूए कलाम की बात की जाए तो यगाना का पहला मजमूए कलाम नश्तर यास 1914 में शाये हुआ। इसका बड़ा हिस्सा उनके इब्तदाई और रिवायती कलाम पर मुश्तमिल है। आपका दूसरा मजमूआ आयाते वजदानी या विजदानी के नाम से 1927 में मंजर आम पर आया। यगाना की कद्र मंजलत का दारोमदार बड़ी हद तक इसी मजमूए पर है। आयाते विजदानी के बाद उनका तीसरा मजमूआ तराना के नाम से 7 साल बाद 1933 में शाये हुआ। 1934 में आयाते वजदानी का दूसरा एडिशन मंजर आम पर आया। 1945 में इस मजमूए का तीसरा एडिशन भी आ गया। इस इशात का काम पहली इशातों से बेहतर था। 1946 में जब यगाना बम्बई गए तो उस वक्त उनकी मुलाकात सैयद सज्जाद ज़हीर से हुई थी, जो कि तरक्की पसंद तहरीक के फाउंडर मेंबर हैं। तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से मुकम्मल एक लेक्चर अपलोड है, जिसे कई हज़ार लोग देख चुके हैं, आप भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सैयद सज्जाद ज़हीर से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये काम किया कि यगाना के जो मुकम्मल मजमूए कलाम थे उन्हें यकजा करके गंजीना के नाम से मुरतब कर दिया, और ये मजमूआ यानी गंजीना कम्युनिस्ट पार्टी के इशाती अदारे से 1947 में शाये किया गया। इसके अलावा उन्होंने चंद किताबचे भी लिखे थे, मसलन शोहरत काजबा, जिसे खुराफत अज़ीज़ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह उन्होंने गालिब शिकन भी शाये किया, जिससे लखनऊ के अदबी हलकों में बड़ी उठापटक हुई। यगाना का इंतकाल 4 फरवरी 1956 की सुबह लखनऊ में हुआ। फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज इस तरह है। नश्तर यास 1914 पहला मजमूए कलाम, आयाते विजदानी 1927 दूसरा मजमूए कलाम, तराना 1933 तीसरा मजमूए कलाम, और इन तीनों का मजमूआ गंजीना। गालिब शिकन 1935 में शाये किया। बाद शोराए अजीमाबाद, ये 1916 में निकला, जो कि अजीमाबाद के फारसी शोरा का तज़किरा है। फ़लसफ़ाए हमदर्दी दिसंबर 1915, मुसर्रत हमदर्दी जून 1916, मसअले इंतकाम जनवरी 1916, रस्म व रिवाज का असर जुलाई 1916, अल्फाज महंदबा इत्फ व इजाफत अप्रैल मई 1916, कलाम आतिश बरंग साहिब सितंबर अक्टूबर 1916,
तमाम शोराय हाल की खिदमत में, जुलाई 1916, चिरागे सुखन 1914, रिसाला उरुज़ो कवाफ़ी, शोरत काजबा, फिर रुबाइयात का एक मजमूआ तराना। चंद नुकात की बात की जाए तो रिसाला नज़ारा में यगाना की तहरीरें शाये हुई। यगाना काफ़ी अरसे तक अवध अखबार से मुंसलिक रहे। मुहक्किक मुशफिक ख्वाजा ने 2003 में कुलियात यगाना शाये की। बाकी की नोट्स आप इस लेक्चर से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ क्यूरी, कुछ खामी, कुछ कमी, कुछ तलफ़ुज़ की अदायगी की गलती है, आप निशानदेही करें। आइंदा के लेक्चर में हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हमें मज़ीद हौसला मिले इस तरह के लेक्चर आप तक पहुँचाने के लिए। खुदा हाफिज़।